चलो, ये आया हमारे पास इंजन जो कि हमने बाइक से अलग कर लिया। उसके बाद ही हम काम करेंगे क्योंकि प्रॉपरली इसका सारा काम होगा। तो इससे पहले आपने ऑयल पंप वाली वीडियो देख ली होगी कि इसका जो टूटी ऑयल है वो कहाँ पर डलता था। ये चीज़ मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा बेहतरीन लगी थी इसकी कि जब ये चीज़ इसके अंदर आई थी। तो अभी क्या है, इसके जो बोल्ट है, चारों बोल्ट जो है वो हम खोल रहे हैं। इसका हेड और ये इसका हेड है, देखो टूटी ऑयल है, टूटी इंजन, टू स्ट्रोक इंजन है। तो भाई इसके अंदर अब आपको वो सब तो मिलेगा नहीं, वॉल वॉल ये सब तो मिलेंगे नहीं, आपको खाली हेड ही हेड मिलेगा। तो चलो दिखाता हूँ आके की चीज़ है, ये खुलता है फिर उसके बाद मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताता हूँ। इसका हेड, ये इसका हेड, तो हेड जैसे कि आप टू स्ट्रोक में फोर स्ट्रोक में आपको बताते हैं, इसमें ना तो वाल होते हैं, ना टाइमिंग चेंज होती है, ना कैम, ना रोबर। इसका हम कहीं पिस्टन डालेंगे तो इसमें सिर्फ हमारा नया पिस्टन लेंगे, बोर कर लेंगे, बोर करने के बाद हेड साफ करके इसी तरीके से लगाते हैं। हेड में कोई भी रिपेयरिंग का काम नहीं निकलता इसका, सिर्फ कभी कभी होता है जब हेड की चूड़ियाँ और प्लग हम उल्टा सीधा कर देते हैं, स्लिप हो जाती है चूड़ियाँ, तो ये हमें हेड की चूड़ी बनवानी पड़ती है, अन्य तो हेड में कोई काम नहीं निकलता। चार बोल्ट होते हैं, चार बोल्टों पे कस रहता है, ये प्लग लग जाता है, हेड ही अपना उल्टा सीधा होते ही सब बनाए हुए रहता है। अब यामा हो या सुजुकी हो, जो टू स्ट्रोक इंजन होते हैं कोई से भी हो, चाहे स्कूटर क्यों ना हो, जो टू स्ट्रोक इंजन होंगे उनके हेडों के अंदर कुछ भी काम नहीं निकलता, सिर्फ हेड ऐसा ही होता है। स्कूटर का भी ऐसा ही मिलेगा, यामा का भी आपको ऐसे ही मिलेगा, ये सुजुकी एसटी से इसका भी ऐसा ही मिलेगा हेड। हेड में टू स्ट्रोक में कोई भी काम नहीं निकलता हेड के अंदर। तो दोस्तों हमने हेड की आपको बताई दी जानकारी, हम निकलने इसका सिलेंडर, तो इसका सिलेंडर निकलते हैं बाहर और आपको दिखाते हैं इसके सिलेंडर के अंदर क्या क्या चीज़ होती है, किस तरीके से हमें सिलेंडर फिट करना है। ये हो गया हमारा सिलेंडर। तो दोस्तों ये हमने सिलेंडर इसका निकाल लिया है बाहर, तो सिलेंडर में आपको सिलेंडर निकाल लिया हमने इसका बाहर, आप तो हम बताते हैं सिलेंडर के बारे में जानकारी। ये होता है लीड वाल, लीड वाल जैसे कि हमारा करता है ये पेडल यहाँ से खींचता है, ये अगर ये खराब हो जाता है लीड वाल तो हमारी ओवर रेस भी देती है और गाड़ी एवरेज भी नहीं देती। यहाँ से कार्बेटर, कार्बेटर में से एल्बो में होता हुआ पेडल यहाँ था, यहाँ से जाता है पिस्टन में, दे सकते हैं जब पिस्टन पे पेडल जाता है, जब आग लग के गाड़ी स्टार्ट होती है। तो हमने ये सिलेंडर किट अगर इसके डलवाते तो ये हमारा अलग खुल जाता है लीड वाल, हम आपको दिखाते हैं लीड वाल किस तरीके से हमारा काम करता है ये वाला। और ये होता है हमारे सिलेंडर, तो हम बताते हैं सिलेंडर पिस्टन भी निकालेंगे तो हमें रिंग किस तरीके से इसके सेट करने हैं। लोगों को रिंग हमारे टूट जाते हैं तो हमें रिंग किस तरीके से इसके फंसाने हैं, और ये लीड वाला हमारा जो है ये किस तरीके से काम करता है। अगर हम नई सिलेंडर किट भी लेते हैं तो ये चीज़ हमारी अलग से आती है, इसे हमें अलग से खोलना है। और जैसे अगर आपकी गाड़ी, ये आपके पास गाड़ी है और आप चला रहे हैं या यामा है, तो इसके लीड वाल को हमें खोल लेना, खोल के इसे अरे एवरेज तो हमें सबसे पहले ये लीड वाल चेंज कर देना, इससे हमारी गाड़ी पे क्या होता है, ये गाड़ी हमारी एवरेज भी इसी चीज़ से देती है, और जो हमारी कभी कभी स्पीड बढ़ जाती है या घट जाती है, जैसे कि मोटरसाइकिल में वाल होते हैं इस तरीके से, वालों का जो सिस्टम होता है वो हमारा ये लीड वाल काम करता है। स्कूटर में जो थे, जो पहले स्कूटर आते थे उन्होंने आती थी पोर्ट बनी हुई, तो हमें खराब पर पोर्ट बनवानी पड़ती थी। अब उसके बाद स्कूटर जो थे उसके बाद कंपनी ने बजाज ने लीड वाल भी देने चालू कर दिए, तो हमारे लीड वाल बोलते हैं, ऐसे लीड वाल वाले स्कूटर भी आए हैं। हाँ, हमारा लीड वाल जैसे कि स्कूटर में भी आए हैं ये लीड वाल, तो और का नाम जी इसमें ये है, ये तो ये होता है लीड वाल, यहाँ से पेट्रोल जाता है, ये होता है पत्ते, कभी कभी इनके इस तरीके से मुँह खुला रह जाता है या कचरा आ जाता है, ये तो हमारी गाड़ी यहाँ से एयर भी लेने लगती है और पेट्रोल भी ज़्यादा खाने लगती है, ये हमारा लगता जाता है लीड वाला। अगर आपकी गाड़ी एवरेज नहीं दे रही है, आपके पास स्कूटर हो लीड वाला वाला या मोटरसाइकिल है आपके पास ये लीड वाला वाली, तो अगर है तो वैसे मिल जा, मुश्किल ही मिलेगा, पर आप ढूंढो के कोशिश करो तो ये मिल जाता है नया लीड वाला, तो आप इसे चेंज कर दें, इससे हमारी गाड़ी का एवरेज हो जाएगा ठीक बिल्कुल बढ़िया। तो स्कूटर में था, स्कूटर में थी पोर्ट आती थी, हम पोर्ट बनवा दिया करते थे खराद पर, खराद पर पोर्ट बनती थी तो दोबारा हो जाता है सही, तो कंपनी ने पोर्ट बंद करके फिर देना चालू कर दिया था अपना ये वाला लीड वाला, तो लीड वाली अलग से आता है। आप सिलेंडर किट भी अगर नहीं होता है इसका भी खास तौर से ध्यान रखें, टू स्ट्रोक गाड़ियों में जो है अगर हमारा ये पैकिंग लीक है तो यहाँ से मोबाइल तो लीक नहीं करने का है, पर यहाँ से हमारी गाड़ी एयर लेगी, एयर ए सी लेगी और वो रेस हो जाएगी गाड़ी हमारी। आप कार्बेटर से कितनी भी स्पीड बढ़ा दो, कम कर लो, पर ये यहाँ से हमारी स्पीड कभी बढ़ेगी कभी घटेगी, यहाँ से अगर लीक होता है तो हमारा ये लीड वाल वाला। तो ये जो है ना टू स्ट्रोक गाड़ियों में खास तौर से जायज में लीड वाल या कार्बेटर के पास से लीक है गाड़ी हमारी, जैसे कि हमारा कार्बेटर है अगर यहाँ से ये एल्बो लीक करती है हमारी, ये है हमारी जैसे कि यहाँ से एल्बो लीक करती है, यहाँ से पेट्रोल तो लीक नहीं करने का, पर गाड़ी हमारी ओवर रेस रहेगी, हम इससे कितने भी स्पीड को कम बढ़ती कर लें, और ये रबड़ ख़राब है, ये रबड़ चटकी हुई है, यहाँ से अगर हमारी गाड़ी एयर लेगी तो हमारी गाड़ी स्लो नहीं जाने की है,
बिल्कुल भी, आप चाहे कितना भी कार्बोरेटर से ऐड कर लें, ये इससे ये मिक्सचर होता है, ये एवरेज के लिए होता है, ये स्पीड कम बढ़ती के लिए होता। तो इस रबर का खास तौर से ध्यान रखें, यहाँ से लीकेज नहीं होनी चाहिए। और ये जो पैकिंग है हमारा है ये, और जैसे कि अगर हमारी सिलेंडर किट हो गई है ख़त्म, मतलब जैसे कि इसके बोर पूरे हो चुके हैं, जैसे कि 100 नंबर तक पिस्टन बोर हो जाता, उसके बाद क्या हमें इसके अंदर पूरी किट ही डालोगे तो जैसे कि हम आपको बता दें, जैसे कि इसमें निशान बन जाते हैं, ये हमने आपको दूसरी अपनी पहली वीडियो में बता दिया था। इसके अंदर ये हमारा टूटी ऑयल चलता है, टूटी ऑयल जो चलता है, ये टूटी ऑयल का जो पाइप होता है, जैसे कि हमने आपको बता दिया यहाँ से ये टूटी ऑयल जाता है, टूटी ऑयल आते अपने पिस्टन पर आता है, पिस्टन पर आने के बाद हमारा पिस्टन रनिंग में सही काम करता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सिलेंडर किट महंगी भी है, मिलती भी नहीं, तो एमरजेंसी में इसके अंदर हम स्लिप ठुकवा देते हैं। स्लिप ठुकने के बाद क्या है, स्लिप ठुकने के बाद गाड़ी में वाला पिकअप नहीं आने का, जो कि गाड़ी में पिकअप होता है। स्लिप जो कामयाब है वो है बिल्कुल सीधी सीधी, जैसे कि मानो हमारे मोटरसाइकिल का होता है, बजाज का ले लो, होंडा का, किसी का भी सिलेंडर किट ले लो, उनमें सिलेंडर किट बिल्कुल सीधी होती है। सीरीज में भी है, मतलब उसमें सुराख नहीं होते हैं, ये वाले जो 2, 3, 4, 5 सुराख हैं इसके अंदर, तो इनों में जो है ना सिलेंडर किट हम स्लिप ठुकवाते हैं तो इसमें कामयाब नहीं होती है, क्योंकि सुराख की वजह से थोड़ा अप डाउन हो जाती है। और जो मोटरसाइकिल की जो सिलेंडर होती है वो बिल्कुल सीधी होती है, उसमें कोई सुराख नहीं होता, क्योंकि उसमें सारा काम जो होता है वो हेड का होता है। इसके अंदर जो सारा काम होता है वो सिलेंडर के अंदर होता है, टू स्ट्रोक गाड़ी के अंदर जो काम होता है वो होता है सारा काम पेट्रोल का, लीकेज का, जैसे भी स्टार्टिंग का वो करता है सिलेंडर। और जो हमारी 4 स्ट्रोक जो गाड़ी होती है वो करती है हमारी हेड काम, उस गाड़ी का करता है हेड का काम, और इसलिए करती है हमारी 2 स्ट्रोक गाड़ी सिलेंडर में काम। सिलेंडर में कोई दिक्कत होगी तो स्टार्टिंग में परेशान करेगी गाड़ी, क्योंकि इसका हेड जैसे कि आप देख रहे हैं हेड में कुछ भी नहीं है, इसका बिल्कुल प्लेन है। और इसमें है हमारे लीड इसी में दिया है, कार्बोरेटर भी इसी में दिया है, और पेट्रोल और पिस्टन रिंग भी इसी में दिए हैं, तो इसमें है काम हमारे सिलेंडर किट में। 2 स्ट्रोक जो होगी उसमें सिलेंडर में काम दिया होगा, और 4 स्ट्रोक जो होगी उसके हेड में काम दिया होगा। अगर हम बात करें स्प्लेंडर गाड़ी की या 4 स्ट्रोक इंजन की गाड़ी की, तो उसमें सिलेंडर किट होगी बिल्कुल प्लेन, उसमें सिलेंडर किट जैसा कोई खास काम नहीं होता, सिर्फ बोर का काम होता है, और ऐसे ही उसके हेड में काम होता है। तो इसके सिलेंडर में काम दिया है और हेड में इसके कुछ काम नहीं दिया। तो ये होगी हमारी सिलेंडर किट की जानकारी, हमने आपको बता दी, लीड वाल की भी बता दिया, और ये कार्बोरेटर की रबड़ के बारे में भी बता दिया है आपको किस तरीके का करना। अभी ये निकालते हैं हम इसका पिस्टन, तो हम आपको पिस्टन भी बताते हैं, हमें पिस्टन किस तरीके से रिंग 2 स्ट्रोक गाड़ियों के, जैसे कि सुपर एक्सल भी है वो 2 स्ट्रोक गाड़ी है, अक्सर रिंग लगाते हुए टूट जाते हैं, रिंग टूटने का क्या रीज़न रहता है ज़्यादातर, तो हमसे तो अभी तक खैर नहीं टूटा, ऊपर वाले का बड़ा वो है, क्योंकि हमने काफ़ी काम करा था 2 स्ट्रोक गाड़ियों का। तो आपको दिखाते हैं रिंग हमें किस तरीके से ढालने हैं, जो कि एक ही बार में रिंग बैठ जाए। पिस्टन, ये पिस्टन देख सकते हैं आप, पिस्टन, ये पिस्टन मारा हुआ है इसका सीज, तो सीज जो मारा है ये पिस्टन, जो 2 स्ट्रोक जो गाड़ी है, ये पिस्टन जब सीज मारता है, जब मारता है जब इसके अंदर पेट्रोल के अंदर आ रहा है, या तो आप पेट्रोल के साथ मोबिल ऑयल मिलाओ, या ये इसका जैसे कि हमने पहली वीडियो में देखा टूटी, इसमें टूटी ना हो सूखा चलने के बाद, और आपको जैसे अगर टूटी आपका ये टूटी काम नहीं कर रहा है, या आप इसमें नहीं डलवाते, तो आप पेट्रोल में इसमें मोबिल ऑयल मिलाएं ज़रूर। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया 2 लीटर में हम 40 ml का पाउच मिलाएंगे, जिससे कि इसमें लुब्रिकेशन ठीक मिले। और जब भी आप इस गाड़ी का इंजन बनवाते हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, इसके इंजन में ऐसा ज़्यादा कोई खर्चा भी नहीं आता, जब इसका इंजन बनवाते हैं इसमें एक पिस्टन डलेगा हमारी गाड़ी में, ये अगर ये हमारी क्रैंक में जैसे ये पिलहेज की क्रैंक होगी, और इसमें क्लच प्लेट डलेंगी, इसमें सिर्फ जो है यही काम होता है, ये होता है इसके गजन पिन का बेयरिंग, देख सकते हैं ये हमारे यहाँ लगता है गजन पिन का बेयरिंग, जो कि और मोटरसाइकिलों में जैसे कि 4 स्ट्रोक गाड़ी उन्होंने नहीं लगता है, ये एक बेयरिंग डलेगा हमारा। इसका हम पूरा भी इंजन मान लें, पूरा एक्सपायर्ड है, हमें इसका पूरा इंजन ओवरहाल कराना, तो हमें क्या कराना है, इसका एक पिस्टन डलेगा सबसे पहले इसके अंदर, जो कि यहाँ लग जाएगा पिस्टन, एक इसमें डलेगी हमारी गाड़ी में क्लच प्लेट, क्लच प्लेट खोल का आपको दिखाने वाले हैं मेन बेयरिंग। इसके इंजन में सिर्फ ये चीज़ होती है, पिस्टन, क्लच प्लेट और ये पैकिंग किट डल के 2-3 आइटम डलती है, इसका इंजन बन जाता है। न इसमें वाल होते हैं, न इसके अंदर टाइमिंग चेन होती है, न इसके अंदर कैम रोकर होते हैं, न इसके अंदर खैरात का भी कोई ज़्यादा काम नहीं निकलता। खैरात के सिर्फ 2 ही काम निकलेंगे हमारे, एक सिलेंडर बोर का और एक हमारी क्रैंक रिपेयर का, सिर्फ 2 ही काम होंगे, और इनमें दोनों काम होने वाले क्रैंक जब रिपेयर कराएंगे, दोनों मेन बेयरिंग, पिस्टन बोर, क्लच प्लेट, और इसका हब सेंटर कटे हुए हैं और वो डल जाएंगे मोबिल ऑयल। इसका इंजन बन जाता है बहुत कम खर्चे में, इसका इंजन बन जाता है फर्स्ट क्लास, और इनके इंजन की जो लाइफ रहती है मैं आपको बता दूँ, कम से कम 5 साल तो इनका इंजन बनने के बाद चलता ही चलता है। गाड़ी आप कितनी बुरी तरीके से चला लो, 5 साल से पहले तो इसका इंजन का सवाल ही नहीं होता। इसके अंदर मोबिल ऑयल सही मिलता रहे, सर्विस कराओ या मत कराओ, 5 साल 2 स्ट्रोक गाड़ी का इंजन चलता ही चलता है। एक बार बंद नहीं, हम आती है गियर छोड़ती है तो वो बात होगी अलग,
बाइक जी इसके 5 साल तो चलते ही चलता है, बस ज्यादा में जो खराब होता है क्लच प्लेट खराब हो गई तो हम क्लच प्लेट डाल देंगे नई क्लच खोल के। बाकी रिंग पिस्टन क्रैंक एक बार होने के बाद चलता है काफी। तो जब हम काम करते थे स्कूटरों का काम हमने बहुत करा, टू स्टॉप गाड़ियों का हमने बहुत काम करा, लम लेटा विजय सुपर खूब ठीक करे हमने। तो उस टाइम भी हम इंजन बांधते थे 4-5 साल के, तो हम के कस्टमर से वही 4-5 साल के लिए अपने फ्रामिल, हम तो नहीं बोला हमारे उस्ताद इंजन बांधते थे, हम तो छोड़े थे पर हमें खूब याद है लम लेटा विजय सुपर ये गाड़ी थी, सुजुकी समराइ थी या 100 135, इनका हमने काफ़ी काम करा है। तो सिलेंडर पिस्टन की तो हमारी होगी आपकी वीडियो पूरी, हमने आपको बता दिया क्या करना है। ऑयल हमने आपको ऑयल पंप की भी वीडियो होगी हमारी पूरी, हम नेक्स्ट वीडियो दिखाते हैं आपको क्लच के बारे में, इसके में क्लच प्लेट कैसी होती है, किस तरीके से क्लच प्लेट डलती है और क्लच के अंदर क्या क्या चीज़ होती है। जैसे कि तुमने यहाँ तक की वीडियो देख ली होगी, यहाँ पे आप लोगों को पूरा पिस्टन के बारे में सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन आ गई है। इसकी वीडियो का बनाएंगे हम नेक्स्ट पार्ट, और उस नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इंजन के आगे की बात करेंगे। तो ये जो वीडियो है आपकी 2 पार्ट के अंदर बनेगी, पहला आपने हाफ इंजन के बारे में आपको प्रॉपरली डिटेल दे दिया, दूसरा जो है जो इसके इंटरनल यानी कि जो आपके क्रैंक व्रैंक वाला काम है वो वाला काम हम बताएंगे। तो चलो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।